बाबा बोलिए हरिधाम सरकार की, और बाबा बोलिए हरिधाम सरकार की जय हो बाबा। नमस्कार, आपके चेहरे का नूर दिख रहा है। एक बात बताइए, अभी आपने बताया कि आपको ना ट्यूबरकुलोसिस पता है ना कैंसर पता है, कुछ क्या है देवी जी? तो आप नूर पे बात कर रही थी, पहले वो मुस्कुरा रहे थे नूर के। बाबा आपने अपने नूर के लिए भी यही जलपान किया अपना क्या, जो आपके चेहरे पे इतना नूर है, इतना चमकता हुआ चेहरा है बाबा आपका। बोलो हरिधाम, तो आपने अपने अमृत पान किया बाबा? जी जी जी, आपकी तारीफ कर रही हैं आप बाबा। हमसे बात तो कर लीजिए थोड़ी देर, चल लो पीना चुका बाबा, हमसे बात तो कर लीजिए। क्या बहन जी, क्या है बहन, क्या है बाबा, बहन से बात तो करिए थोड़ी देर जी। बहन बता, हम तो कह रहे हैं कि आपने अपना जलपान किया सेवन खुद, जो आपके चेहरे पे इतनी चमक है। नहीं नहीं, ये तो मैं 24 घंटा सेवा करता हूँ, रात भर जगता हूँ, दिनों में चलता हूँ, तो ये सेवा की चमक है। तो बाबा आप कह रहे हैं भक्तों का जब फोन आएगा तब सेवा करनी पड़ेगी। बाबा आप कह रहे हैं कि जो कैंसर है, चाहे ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे नर्व्स की प्रॉब्लम है, अभी हो ये रहा सब कोई रोग नहीं है, ये तो प्रेत रोग है, हैं बाबा? पर चला गया है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं बाबा, देखकर तो नहीं कह रहे हैं। बोलो हरिधाम से बोतल बाबा, ये जो बोतल बाबा सुनिए ना, आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। बोलिए, मैं कह रही हूँ जो प्रेत रोग है, जो अलग अलग रूपों में कैंसर के रूप में आता है, ट्यूबरकुलोसिस के रूप में आता है, तो क्या प्रेत रोग अलग अलग प्रकार के प्रेत रोग होते हैं कि प्रेत नंबर एक का एक रोग, प्रेत नंबर दो का दूसरा रोग? भूतों की, भूतों और प्रेतों की जो कुनबा होगा उसमें तो भय हो रहा होगा आपका बड़ा तकड़ा, कि भैया बोतल बाबा हम सब भूतों का पूरा वर्चस्व ही खत्म कर देंगे। प्रेत आत्माएं कई प्रकार की, प्रेत आत्माएं होती हैं, हर प्रकार की होती हैं। अच्छा, तो कौन सी प्रकार की प्रेत आत्मा कैंसर का रोग देती है? और कौन सी प्रकार की प्रेत आत्मा कैंसर रोग देती है? कोई एक्सीडेंट होकर मरा है? हाँ, तो नहीं मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, कैंसर रोग ये छाला बना देती है, छाला बनने से कैंसर प्राप्त होता है? नहीं नहीं, छाला बनाने वाली प्रेत आत्मा बना देते हैं, प्रेत आत्मा कौन सी प्रकार की छाला बना देती है? अरे वो मैं समझ गई आपकी बात, छाला बन जाता है, लेकिन वो कौन सी किस्म की प्रेत आत्मा? जब यहाँ आप हरिधाम सरकार में दरबार में बैठेंगी और मरीजों को देखेंगी जब सामने, तभी आपको प्रमाण सिद्ध हो पाएगा। अब हम आपको कैसे समझाएं, बाबा जब सामने हनुमान चालीसा पढ़िए आपने, हनुमान चालीसा, भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, पढ़िए आपने हनुमान चालीसा? हाँ, कंठस्थ है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि हनुमान से ज्यादा तो प्रेत भूत आपसे डरते होंगे, आप सबको भगा देते हैं। हनुमान जी भगाए ना भगाए, लेकिन बोतल बाबा तो ऐसे प्रेतों को भगा रहे हैं। आशीर्वाद है बाबा, एक बात बताइए आप मुझे तो पहले प्रेतों के प्रकार, माता का जल भगा रहा है, माता का जल तो भगा रहा है, लेकिन आपके हिसाब से रोग जो है प्रेतों के प्रकार, तो प्रेत रोग हैं। जैसे हमारे देश सनातनी भारत वर्ष में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के मानव हैं, तरह तरह के भक्त हैं, तरह तरह के लोलुपताचारी हैं, ऐसे प्रेत आत्माएं हैं, तो एक दूसरे पर अटैक होकर के रोग बना रही हैं। जहां डॉक्टर बंद हमारे जवाब दे रहे हैं आपको, इस जवाब दे करके वो जो बेचारे हरे तके आते हैं तो हरिधाम को भगते हैं बोतल बाबा। आपके हिसाब से तो डॉक्टरों की शटर बंद हो जानी चाहिए, आपके हिसाब से पैथोलॉजी लैब्स बंद हो जानी चाहिए, सिर्फ आपका दरबार है जो जो सारे देख रहा हूं ना बाबा, बाबा कई अस्पताल बंद हो गए, बाबा आप सनातनी हैं, सन्यासी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, आस्था से एक कृपा तो करिए सनातनियों पर, पाठन करेंगे वहाँ से माता जीवन दान देगी। बोतल बाबा एक कृपा करिए सनातनियों पे, जितने अस्पताल है, मरीज आया था डॉक्टर ने जवाब दे दिया था यहीं से जीवन दान मिलकर गया, बताइए बाबा सुन लीजिए नाम पे, सुनिए ना, आपके सामने भक्त तमाम मेरी बात सुनिए, आप इतने चमत्कारी, इतनी माता की कृपा है आपके पास, एक काम करिए, सनातनी है, इतने कल्याणकारी काम कर रहे हैं आप, सारे अस्पतालों की टंकियों के ऊपर जाइए, पानी की टंकियों पे एक बार ये अमृत बना दीजिए, तो सारे लोग कहाँ कानपुर आएंगे आपके पास, वहीं सही हो जाएंगे। अगर डॉक्टर नहीं नहीं, अगर जो पूरा स्टेट का पानी का जो रिजर्वायर होगा वहाँ पे आप जाके बस एक बार फुसफुस कर दीजिए, या दवा है दवा पढ़ दे, मेडिकल पूरा जितना, नहीं नहीं जितनी मेडिसिन वहाँ अस्पताल में पड़ी है, जितनी मेडिसिन पड़ी है, डॉक्टर एक ही बार क्यों नहीं देते, मरीज को सही हो जाता है, हम उसका डोज क्यों देते हैं 10 दिन का, 15 दिन का, 7 दिन का, फिर दोबारा क्यों बुलाते हैं? कंपनियों के साथ एक आप जॉइंट वेंचर खोल लीजिए और जहां दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी बस ये फुसफुस करके आ जाइए। नहीं नहीं, पानी इसका क्या दिक्कत है, इसका एक डोज होता है, माता का डोज होता है, पानी इनका फूका हुआ अमृत जो है
हर जगह पहुंचे ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी। डॉक्टर बारी बारी से दवा देता है, इसे ऑनलाइन फूंक देते हैं। मेरा गला बहुत खराब है बाबा, बाबा सुन भी रहे होंगे, आवाज इनकी बैठ रही है। बाबा मेरी आवाज बहुत बैठी। और अभी आपने बहन बोला, तो बहन हूँ आपकी, तो ये पानी है इसको जरा ऑनलाइन इसको जरा कर दीजिए, अभी गला ठीक कर, अमृत बना दीजिए कि अगली दो मिनट के बाद मेरी आवाज जो है वो साफ हो जाए, मेरा गला साफ नहीं। जब हमारे सामने आप आएंगे तभी हम फूकेंगे। जब डॉक्टर अभी आपने बहन बोला, बहन के कष्ट को तो हर लीजिए। बाबा आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते तो हैं इतना, आप हमारा भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट ये कर दीजिए। बहन आएंगे यानी राम सरकार, तभी तो कष्ट हारेंगे हम। तो भैया बहन दूर बैठी है, बहन का इलाज दूर से कर दो। हमारे सामने आएंगे बहन तभी तो कष्ट हारेंगे हम। मेरे छोटे भाई दूर से कर दो ना इलाज, नहीं दूर से कोई इलाज नहीं। डॉक्टर साहब का दूर से इलाज कर देते हैं क्या? डॉक्टर साहब तो चिट्ठा लिख के भेज देते हैं। डॉक्टर साहब ने कोविड में दूर से इलाज किया, इलाज किया कोविड में, सुन के ऑनलाइन ट्रीटमेंट चलता है बाबा, ऑनलाइन ट्रीटमेंट चल रहा है आजकल। डॉक्टर करते हैं ऑनलाइन, दूर से इलाज ही करते हैं मैक्सिमम डॉक्टर। कोविड की बात छोड़ो, कोविड में भी, कोविड क्यों छोड़ दें, कोविड में तो आज की बात देखें, इनका इनका कर्जा जो है ना डॉक्टर्स का और मेडिकल स्टाफ का, कोविड कौन सही करेगा जो कुछ चमत्कारों को देखते। और अब जरूरत है सबकी आंखें खोलने की, ये कौन, अब जरूरत है सबकी आंखें खोलने की। बाबा आप कानून को तो मानते हैं, वो तो कोविड गया बाबा, बोतल बाबा कानून को तो मानते हैं क्योंकि कोविड में आपने कानून का पालन किया, हम भी मानते हैं। तो यही कानून आपको जेल की सलाखों के पीछे रख देगा। डॉक्टर्स को लाइसेंस मिलता है तब वो जाके मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। आज भी आपके पास कौन सा लाइसेंस है जो आप इलाज करते फिर रहे हैं करके? अच्छा बाबा वो इलाज करते रहिए, प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाएगी। आस्था से जल्द दिया जा रहा है, तो मैंने कहा ना कि ये सब की आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। और ये आप लोगों के लिए भी जवाबदेही बनती है कि देखिए कि सनातन नाम कोट करके क्या हो रहा है। और रही बात डॉक्टर्स की, तो बाबा डॉक्टर्स के ऊपर जितनी बातें आपने कही है मैं उस पर आऊंगा। मुझे एक बार आप फुल स्क्रीन पे मैं आपको देखना चाहता हूँ, हाथों में जो चाकू है जरा एक बार चाकू हाथ में लीजिए ना, वो चाकू हाथ में लीजिए ना, वो जो कष्ट हरने के लिए चाकू आपके नहीं, पास नहीं, जब वो अगर जैसे कोई जैसे जैसे नशे ब्लैकेट होती है, जैसे गठियावाद हो जाता है, गठियावाद वाला या कुलंगवाद वाला मरीज आता है और उसकी नशे ब्लैकेट है, गर्दन नहीं मुड़ रही हो, दिक्कत बढ़ रही हो, तो उस जगह इसका प्रयोग किया जाएगा। दिखाइए ना एक बार चाकू, दिखाइए ना कैसा है, दिखाइए एक बार, दिखा उस जगह प्रयोग किया जाएगा। एक बार दिखा तो दीजिए, बताया क्या जी, दिखा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? इस समय दर्द हो रहा है? हाँ बताए, अब बताइए कहाँ, देखो जल फूके बिना ही फूंक मार दी बाबा के हाथ, तो नहीं हो रहा हो गया, नहीं पहले जोड़ तो नहीं बोल रही, नहीं वैसे फूंक मार दी। देखो आराम है, देखिए तो आराम भी बता रहे हरी राम सरकार की जय। अब देखो जैसे ये निकाल लिया, आ जाइए, अब हमें ये दूर से लगाना पड़ता है, हम बहनों को छू कर इलाज नहीं करते हैं, तो हमें ये लगाना पड़ता है, ये आप तो दिक्कत नहीं हो रही ना, आराम है। अरे बाबा इस चाकू में जंग लगी हुई है, किसी का थोड़ा भी लग गया तो टिटनेस हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? स्केल चाकू दिया। अरे डॉक्टर साहब कोई जंग नहीं है, तुम्हारे इलाज में जंग लगी हुई है। दिखा दीजिए मुर्दा आ रहे मरे हुए, चाकू दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, कितने को मार डाला। अरे बाबा एक बार कैमरे पे दिखा दीजिए चाकू, रोज मुर्दा फूके जा रहे हैं, इनका मुंह बंद हो जाएगा, कैमरे पे दिखा दीजिए। आपके इंजेक्शन में जंग लगी है, उसको सही लगाइए। वैसे ही आचार्य जी बोल रहे हैं, सरकार कहते हैं बोतल बाबा हमारे यहाँ ले आओ मरीज, यहाँ सही होकर जाएगा दावे के साथ, आस्था से आएगा तो सही हो जाएगा एक दिन में। अगली बार ऐसे बहुत सारे कानून बने हुए हैं हमारे पास, गरीब आ रहे हैं, जमीन बेच गई, मकान बेच गए और वो भी बिकने पे तैयार हो रहे थे, बेचारे बचकर आए यहाँ कर रहे हो। और तो और मनोज जी, मनीषा जी, आपके बड़ा है कि ये सीधा सीधा बोल रहे दवा मत खाओ। सुने तो डॉक्टर साहब, सीमो डॉक्टर साहब माती मुख्यालय में बैठते हैं हमारे, जो उनके पैरोकार डॉक्टर साहब, उनका लड़का डॉक्टर साहब को सीधा चैलेंज कर रहे हैं, डॉक्टर्स को जवाब देना चाहिए किस प्रकार के, यही से उनको जीवन दान मिला है। ये जो आप बेतुकी बातें कर रहे हैं नेशनल चैनल पे बैठ के, आपको मालूम है 140 करोड़ जनसंख्या को क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अविज्ञान सिखा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 140 करोड़ चाहे हो, 200 करोड़ हो, हरे धाम सत्य रहेगा। यहाँ पर सच और झूठ का पर्दाफाश किया जाता है, वो हरे धाम सरकार और बोतल बाबा है। जब मरे जाएगा तभी सच्चाई क्लियर होगी। क्या दिक्कत है? ट्यूबरक्लोसिस प्रेतात्मा से नहीं होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। कुछ ज्ञान बढ़ाइए फिर ये आके नेशनल चैनल पे बोलिएगा। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा मनीषा जी कुछ कह रही हैं। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन की भी जरूरत है, क्योंकि जो रिलीजियस पर्सनालिटी है जिसमें रिलीजियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो जाता है और लोग बिना और एजुकेशन पूरा प्रॉपर नहीं है तो उन्हें इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग इनके पास जा रहे हैं। तो किस तरह के लोग यहाँ पर स्वामी जी के पास जा रहे हैं और उनकी एजुकेशन उनकी अवेयरनेस कितनी है, वो बहुत जरूरी है जानना। से आ रहे हैं बेचारे, अब डॉक्टर के यहाँ मरने जाएंगे। ऑनलाइन ट्रीटमेंट की बात जो आप कर रहे थे स्वामी जी, अब इनको रोका जाना जो हरिदास सरकार आ रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले भी क्यों शटर बंद हो रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर लूट रहे हैं 50-50 लाख। और ये आपको डॉक्टर साहब को ठग बता रहे हैं, बताइए, डॉक्टर साहब को ठग बता रहे हैं, ये डॉक्टर साहब को पाखंडी बोल रहे हैं, बताइए वेदना यार होते हैं पाखंडी तो ये हैं। हां वही डॉक्टर साहब, आप इन्हीं को पाखंडी बोल रहे हैं ना, ये पाखंडी हैं, सुन रहे डॉक्टर साहब को पाखंडी कह रहे हैं, ये हमें क्या पाखंडी बोलेंगे, हम पढ़ाई लिखाई करके, वो आपको नहीं पाखंडी बोल रहे, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग धोखा दे रहे हो, पैसा लूट रहे हैं, लेकिन आप पाखंडी बोल रहे हैं, पैसा क्या लूट रहे हैं, पैसा तो ये लूट रहे होंगे। अच्छी बात बोलो हरिदाम सरकार की, ऑनलाइन ट्रीटमेंट बॉटल बाबा, ये डॉक्टर आपको पाखंडी बोल रहे हैं साहब, 40-40 लाख रुपया डॉक्टर साहब ने तो देश को लूट डाला है, देश अंग्रेज एक बार आए थे, डॉक्टर कई बार आए, अंग्रेजों ने एक बार देश लूटा, डॉक्टर कई बार लूटते चले जा रहे हैं। आपको लगता है डॉक्टरों से कोई दुश्मनी है, डॉक्टर के बिना आपका समाज नहीं चल सकता है, हेल्दी इंडिया होगा तभी देश विकास करेगा। आप जैसे पाखंडी बाबा अगर बैठ जाएंगे ना तो इस देश का सर्वनाश कर देंगे, आपके जैसे पाखंडी बाबा बैठ जाएंगे तो देश का सर्वनाश हो जाएगा, देखो, देश और कहां चला जाएगा, गर्भ में साहब, यह मरीज के वेदना सुनो, अरे वो मरीज आपके ही बिठाए हुए लोग हैं, आप यहाँ के स्टूडियो में अपना चमत्कार दिखाइए, सारे 4-5 लोगों को अपने अपने वॉलंटियर को बिठा के आप बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, 1000 बार आएंगे, 1000 बार आप यहाँ आके दिखाइए और देखते हैं आप क्या कर लेते हैं।